नमस्कार ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। पूरा विश्व पई जो हा हा मची जाई कि कोरोना पई मेडिसिन केबे मिलिवो, ए जो पिक्चर आपन देखि परुचंती एथिरे अमेरिका रे जने लेडी ए तो आंको परे फास्ट कोरोना वायरस रे मेडिसिन पई टेस्ट हेजि टीका हेजि वैक्सीनेशन हेजि। ओके आपरे बड़ क्वेश्चन आसी जदि आंको परे टीका पई मेडिसिन तयार हे गला तनो जल्दी आमे मेडिसिन पाई परिबा, बट आंसर रे आसी सेया ना काई कि देखंतु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी पूरा विश्व रे सब हेल्थ प्रकार इश्यूरो ये आम कहीपर गार्डियन फादर हिसाब से अच्छे सीए ए जो कोरोना वायरस डिजीज बा कोविड 19 जोटा कि चाइनार वाहन सहर सृष्टि होता ताकू अलरेडी पैंडामिक घोषणा कर दी। देखो तीन प्रकार रोग डिक्लेयर करे एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एपिडेमिक, एंडामिक, देन पैंडामिक। फास्ट जो एंडामिक कम एरिया हे, एपिडेमिक टिके अधिका अधिका एरिया हे, पैंडामिक जो लास्ट स्टेज माने गोटे जगार है पूरा विश्वर सबुआड़ की खेली जीव। तेणु वर्तमान जो रोगटा कथा है से कि पूरा विश्वपी ये खेली जाइए पूरा से पैंडामिक। ओके तो जदि अमेरिका रिसर्च करुच्छी और भैक्सीनेसन स्टार्ट करदे तो डेफिनेटली अमेरिका पाख जल्दी इंडिया पाइपर कथ हो ना कहीं देखो अमेरिका तर रिसर्च सब जिन इनभेस्टमेंट से करुच्छे तेणु ऑब्वियसली जिते मेडिसिन आसो इंडिया पाखक हाई प्राइस रे आसो बहुत अधिका प्राइस रे आसो। जदि हाई प्राइस रे मेडिसिन आसो तो से हाई प्राइस मेडिसिन को लेकिन केते दूर अवेलेबल करई परिवो सब हॉस्पिटल भारत सरकार ताठ गोटे बड़ क्वेश्चन आसेंड कथा कौन भारत एथिपाई किसी करुच्ची ना भारत एमती बसी पड़ी एत बड़ कथार डेफिनेटली भारत किसी करुच्छे कौन करुच्छे आमर जो अच्छे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कि सब मेडिकल कौटी कौन हम केमी टेस्ट हम ये बुझाबुझी करे गार्डियन आम कहीपर भारत भितर। ओके ये क्या सहित मिसी कम करे ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जोटा कि पुणे अच्छी कहीं वायरोलॉजी ना यहाँ जो वायरल डिजीजा कोरोना वायरस जो वायरल डिजीजा आर सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए अच्छी जेनेटिक मटेरियल वायरस रे। ओके तो ये दिज मिसिकी एक्चुअली एवं कम कर मेडिसिन आसीजीव स्टेन तैयारी हो जाए मेडिसिन आसीजीव तो कथा उठू तो केते दिन भीतर मेडिसिन आसो देखंतु कोनोसी मेडिसिन मार्केट को आसिला पूर्वरु दुई तीनटा प्रोसेस वेरिफिकेशन हबो। फास्ट मेडिसिन माने ताकु स्टेन तयारी करि हबो, सेकंड ताकु इम्प्लीमेंट हबो, थर्ड बड़ ग्रुप रे इम्प्लीमेंट हबो, तापर मार्केट को आसिबो, मार्केट को आसिला परे पुनी एनालिसिस हबो, एनालिसिस परे ठीक ठाक हेले पुनी से मेडिसिन कंटिन्यू करिवो। एबे जो वर्तमान स्टेज कथा आमे कहि परिबा ये फास्ट क्लिनिकल ट्रायल चलछि, क्लिनिक रे ट्रायल चलछि तो तापरे आमे ह्यूमन वैक्सीनेशन आसीबो सेकंड स्टेज। देखंतु आपण कहि परिबे कि अमेरिका तो मनीष उपर वैक्सीनेशन जल्दी स्टार्ट कर देला, जदि अमेरिका कथा कह हबो एई प्रकार कोरोना वायरस रो अलका गुटे यूनो मटेरियल किबा सेई प्रजाति रो आउटे वायरस उपरे अमेरिका ऑलरेडी स्टार्टिंग रु करूथला रिसर्च करूथला कैना 2003 रे एई प्रकार वायरस रो गुटे आमे कहि पर अलका वंशधर से भी व्यापी थिला तो ता उपरे अमेरिका ऑलरेडी रिसर्च करूथला तेणु से सुविधा है कि ये जो भाइरस आसला तो आपरे जल्दी से रिसर्च करिवारे। तेणु भारत कथा जो आसी तो केते समय आमको लगे देखो फास्ट क्लिनिकल ट्रायल चलती तार तापरे आम वैक्सीन लोकों पर ट्रायल करवा तो तापरे बड़ ग्रुप रे ट्रायल कर अमेरिका जो नहीं 45 जन फास्ट फेज नहीं मॉनिटरिंग कर 400 तापरे पुनी सेकेंड फेज नबो तापरे थर्ड फेज हो तो कथा आसी केते दिन भीतर पुनी मेडिसिन बनिकी लोकों पाखो आसी जाई परिबो। देखंतु फास्ट फेज सेकेंड फेज ये सब कंप्लीट हेला बेलू मिनिमम 14-18 लगिपे ओके जहाँ आपणर मेडिकल काउनसिल कहे 14-18 जदि यहीटा गोटे एक्सेप्शनल टाइप रो केस बड़ इम्पोर्टेंट केस मे बी मसे दुमास कि तीन मस जल्दी आसी जाइपे ताठू अधिकार आसीपर ना ता कारण हूँ मनकर मेडिसिन बाहर कराई प्रपर टेस्ट कराई मार्केट को पलि आसला पछर साइड इफेक्ट बाहर भयंकर साइड इफेक्ट बाहर तापाई भी विभिन्न प्रकार अलकार इश्यू हो जापरब। ओके जोटा कि मेडिसिन नथिले बरं अल्प लोक मरिबे बट मेडिसिन हेले जिते साइड इफेक्ट बाहर ताठू बहुत लोक मरीपरिबे तेणु से मेडिसिन गोटे बाहर पूर्व विभिन्न प्रकार एनालिसिस हम बाहर हाँ बर्तमान जो चली जाए किसी लोक भल हो मान नुहे भल हो से प्रकार सब्स्टिट्यूट को लेकिन कि तार अल्टरनेटिव मेडिसिन को लेकिन किसी भल करा बट एक्जाक्ट मेडिसिन ना जोटा कि कोरोना वायरस दरकार तेणु तापाई भारत सरकार 100% काम करुच्ची
ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିକି କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର ମିଶିକି ବଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓକେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଲଗାହେଇଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଲଗାହେଇଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ବି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ବଟ୍ ହଁ, ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ବି କାହାକୁ ଇଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବ ତ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଓକେ, ଓନ୍ଲି 2-3% ମରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁ 95-7% ପାଖାପାଖି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ କଲ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି 104, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ବାକି ଜିନିଷ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ମାସ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରିବା। ରଖୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।